बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है काउंटिंग के इम्पॉर्टेंट रूल की। रूल नंबर 5, कौन सा रूल है? द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अगर आपसे कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स लें और उनका क्यूब लें और फिर उनका सम करें, और आपको कहे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ले लें, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर ले लें, तो ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उसके लिए हमने कुछ फार्मूलाज हैं यहाँ पे, आप डिस्कस करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट की आपको कहे कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लें, आप उनका क्यूब लें, फिर उनको सम करें, फिर आंसर लिखें उनका, तो ये काफ़ी जो है ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ज़रा देखिएगा, अगर हम करना चाहें, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और हमने करना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कोई से 3 नेचुरल नंबर्स की, कि 3 नेचुरल नंबर्स अगर आ जाएं, उनके क्यूब का सम हमने करना हो तो किस तरह करेंगे। तो जरा देखिएगा, फार्मूला उसका कुछ इस तरह होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 होल का स्केयर। तो जरा तवज्जो दें, हमें कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स के क्यूब का सम करें, तो यानी हम 3 नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, तो n हमारे पास क्या होगा? 3 होगा। n होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 नंबर हैं, तो 3 नंबर अगर नेचुरल नंबर ले लिए जाए, उनके क्यूब का सम कितना होगा? तो जरा देखिए, n की जगह 3 पुट कर दें, इनटू n की जगह 3 प्लस का 1/2 और होल का स्क्वायर, तो ये 3 का 3 आ गया, इनटू 3 प्लस 1 4 हो गया, बाय 2 और होल का स्क्वायर, बाय 2 और होल का स्केयर हो गया। तो जरा तवज्जो दें, 3/4 = 12/2, 3/4 = 12/2 हो गया होल का स्केयर, और 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम होल पे स्केयर है, 6 का स्केयर कितना हो गया? 36। जरा वैसे प्रोसेस भी करके देख लेते हैं क्या ये इजी है या नहीं, क्या ये सेम आता है कि नहीं आता। 1 है, 2 है और 3 है, तो 1 का क्यूब हमारे पास 1 आ गया, 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ गया, और 3 का क्यूब हमारे पास कितना आ गया? 27 आ गया। 27 प्लस 8 करें हमारे पास 35 आ गया, 35 प्लस 1 करें तो हमारे पास कितना आ जाता है? 36, यानी कि प्रोसेस सेम आता है। आप लोग जरा एक और बात गौर से सुनिएगा, ये फार्मूले वाला प्रोसेस जो है इसमें इतना ही रहना है। अगर आपको कहे कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स लें, उनका क्यूब लें, उनका सम करें, तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो ये फार्मूला आपकी हेल्प करेगा किस चीज में? उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि 3 अगर नंबर हो या 100 हो या 50 हो, उनके क्यूब का सम निकालने के लिए ये फार्मूला आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इस ट्रिक की, इस रूल की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक और नया रूल लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।